अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो आज के व्लॉग हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर से। बस अभी जा रहे हैं नीचे एम फ्लोर पे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे जुम्मे की नमाज़ के लिए। एक बात और है जहाँ पे हम जाने वाले, वो अभी आपको बताऊँगा नहीं, डायरेक्ट आपको विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह। और एक कॉमन बात ये है कि आज हम सब ने वाइट सूट पहना इंशाल्लाह, वो भी शेयर करेंगे आपको। बोलते हैं यहाँ आए तो पता चला कि कोई है ही नहीं, अब सब नीचे बैठे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, हम लोग भी ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं। और आज माशाल्लाह है जुम्मा मुबारक का दिन, और अभी हम निकल रहे हैं बस नमाज़ पढ़ने के लिए, बस नीचे आ गए, हम लोग को उनसे मिलते हैं, देन फिर नाश्ता करने आएंगे। फ्लोर पे हम लोग आए तो हम लोग को पता चला कि एम फ्लोर खुलता है नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद बस, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकल गए हरम की तरफ। पहले नमाज़ पढ़ेंगे, तो उसके बाद आके नाश्ता वाश्ता करके दोबारा जाएंगे जिस जगह मैंने आप लोग को कहा है कि एक जगह जाना है, डायरेक्ट आपको विज़िट कराऊँगा, पहले से नहीं बताऊँगा। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, देखिए सब ने आज माशाल्लाह वाइट पहने हुए, नवे इतने उमड़ दें नहीं ना कुछ, और वो सामने जा रही है जो है उसी में आप बस इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही दूर में। और अल्लाह का शुक्र ये है कि हम लोग का होटल जो है हरम से बिल्कुल 2 मिनट के वॉक पर है, वो सामने देखें बिल्कुल 2 मिनट के वॉक पर हम लोग का होटल है। बस जा रहे हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे आज, जुम्मे का दिन है इंशाल्लाह, सब के लिए दुआ भी करेंगे, उसके बाद वापसी आके हम फ्लोर पे नाश्ता करके अगेन दोबारा हरम चली आएंगे। नमाज़ पढ़ के हम लोग आ गए, तब जा रहे हैं ऊपर नाश्ता करने के लिए, सारे एक लिफ्ट में आ गए, देखे सब ने वाइट 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 वाइट, सब ने वाइट ही बना हुआ तकरीबन। बस एम फ्लोर भी आ गया है, नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे दोबारा हरम के अंदर। मज़ा आ गया आज काफ़ी टाइम बाद बिरयानी खाने का, मटन बिरयानी है, मटन तो मेरे शुरू से फेवरेट है, बाकी कढ़ी है और ये क्या है, आलू गोश्त, आलू गोश्त। यहाँ पे ये है कि आप एक साल रुकोगे तो आपको 3 रोटी फ्री मिलेंगी। बस अब जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे भूख लग रही है, फिर दोबारा हमें जाना है मदीने के अंदर इबादतें करने के लिए। अब सब खाने में लगे हुए हैं, मैं भी शुरू करता हूँ खाना। बिरयानी किसी को पसंद नहीं आई, मुझे अच्छी लगी, लेकिन चावल जहाँ पे होते हैं मैं छोड़ता नहीं हूँ, साफ सीधी बात है, चावल तो लाजमी खाने। चलो शुक्र ये भी खा रही है, मटन है। अभी खाना खा के फिर हुए हम निकल रहे हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। नवेद और उमर भी मेरे साथी हैं, और हम जाने वाले हैं रियाजुल जन्ना, क्योंकि हम लोग से परमिट लेना तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान गए, अभी तकरीबन 2:15 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं। 15 मिनट का यहाँ से रास्ता है तकरीबन रियाजुल जन्ना के लिए, रास्ते में इंशाल्लाह पहुँच के वहाँ की भी आपको क्लिप्स दिखाएंगे। रियाजुल जन्ना कहा जाता है कि वहाँ पर जन्नत का टुकड़ा मौजूद है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें आज फिर ये को सआदत नसीब फरमाई कि हम लोग को रियाजुल जन्ना देखने का भी मौका मिला। बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम रियाजुल जन्ना के अंदर, वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको सब दिखाएंगे। और रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है हमारी, इस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल अलामा। इस मस्जिद में भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ी हैं, उसके अलावा आज जुम्मा जो हमने पढ़ा है हरम के अंदर, मतलब मदीना के सहम ने पढ़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोग को इतनी सारी सआदत से नवाज रहा है। बस अभी जा रहे हैं रियाजुल जन्ना के लिए, वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे क्या क्या है क्या नहीं है वहाँ पे, सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे उसके बारे में इंशाल्लाह। रास्ता देखें जा रहा है रियाजुल जन्ना के लिए, ये सारे यहाँ से हम जाएँगे वहाँ पर। बस रास्ते में ये सारे ब्लॉक्स उन्होंने लगाए हैं, ब्लॉक किया हुआ रास्ता, जिसके पास परमिट है सिर्फ वही जा सकेगा अंदर, अदरवाइज उसके अलावा किसी को भी जाने नहीं देते लोग। तो ये खुशनसीबी हमारी कि रश नहीं है यहाँ पे इतना, जी बगैर परमिट के जाने नहीं देंगे यहाँ पे किसी को। अब देख लो स्क्रीनशॉट दे दो भाई को। बस रास्ते में जा रहे हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे अंदर के ये मनाजिर।
अगर हम लोग अंदर देखें, सबके परमिट वगैरह चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी परमिट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम भी इंटर हो जाएंगे अंदर इंशाल्लाह। बगैर परमिट के लोग छोड़ भी नहीं रहे बिल्कुल, बगैर परमिट के जाने इजाज़त ही नहीं है बिल्कुल। बस हम भी इतना परमिट चेक करवाते हैं, फिर निकलते हैं अंदर। इसके बाद भी हम लोग को यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है काफ़ी सारे लोग, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पे बड़े इशू है, परमिट के बगैर वालों को तो जाने की इजाज़त ही नहीं दे रहे लोग अंदर। परमिट के बाद चेक कराने के बाद यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे वेट करो, फिर उसके बाद एक एक करके सबको भेजेंगे। अभी एक पीछे क्राउड दिख रहा आपको, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। कितना टाइम लगेगा ये कुछ पता नहीं है। खोल दिया गया गेट, ये देखो अल्लाह कितना रश है, किस तरीके से लोग जा रहे हैं एक के ऊपर एक चढ़ के माशाल्लाह। जगह ये ऐसी है माशाल्लाह, सबको जाने की तड़प लगे रहती है। बस हम भी अंदर जा रहे हैं इंशाल्लाह, जाके ज़ियारतें भी करवाएंगे, पहले खुद ज़ियारत करेंगे तो उसके बाद आपको भी ज़ियारतें करवाएंगे। माशाल्लाह बस अंदर इंटर होने वाली हैं, गेट एरिया से जमना के लिए अंदर जाने के लिए इंशाल्लाह। बस अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद आप सबको इंशाल्लाह सब ग्रेप्स दिखाएंगे। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत और हसीन मनाजिर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जा के जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज की रिजर्वेशन जगह है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ज़ियारतें भी करेंगे। यहाँ पे वाटर आब जमजम तकसीम हो रहा है सब में, फीस अबिल्ला जजाकल्ला। बस इंशाल्लाह हम लोग अंदर आ गए, अब नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पे दो रकात नवाफिल शुक्राने की, फिर उसके बाद आपको ज़ियारतों को भी दिखाएँगे सारे क्लिप्स। मैंने आप लोग को दिखाया रियाज़ुल जन्नत के अंदर के मनाजिर, माशाल्लाह कितने खूबसूरत। कहा जाता है कि यहाँ का अंदर जन्नत का टुकड़ा भी है, तो बस वहाँ से अभी निकल के हम लोग फिर हुए। अब हम लोग जाएंगे मस्जिद नबी के अंदर, वहाँ पे नमाज असर अदा करेंगे, क्योंकि नमाज असर का भी टाइम होने वाला है, तकरीबन 3:30 हो रहे हैं, 4:15 नमाज असर होती है यहाँ पर। इंशाल्लाह वो अदा करके फिर उसके बाद हम जाएँगे अपने होटल की तरफ, लोबी की तरफ, वहाँ पर जाकर थोड़ी रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो बस इबादत ही इबादत हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। इंशाल्लाह फिर दोबारा अगेन मगरिब में आके नमाज अदा करेंगे। तो 2 से 4 दिन हम लोग के रहेगा यहाँ पे मदीने शरीफ के अंदर, फिर उसके बाद जहाँ से हम अगेन जाएंगे मक्का के लिए, फिर वहाँ जाके वहाँ की इबादतें हैं इंशाल्लाह। थोड़े टाइम बाद वापसी यहाँ से अपने वतन वापसी निकलेंगे। नबी के अंदर भी आ गए माशाल्लाह, यहाँ की भी मस्जिद आप देखें कितनी खूबसूरत है। मस्जिद तो होती ही खूबसूरत है वैसे, लेकिन यहाँ की जो रौनक है क्या कहना है माशाल्लाह सुभानअल्लाह। बस यहाँ पे भी वेट करेंगे, असर की अजान होने वाली है, फिर उसके बाद नमाज असर अदा करेंगे इंशाल्लाह। जुम्मे की नमाज में ये मस्जिद के जितनी भी आपको दिख रही हैं जगह, ये पूरी की पूरी ऑल ओवर फुल हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोग ने बाहर सहन में नमाज पढ़ी थी जुम्मे की। असर की नमाज़ पढ़ ली है, बस निकल गए होटल के लिए। एक और बात बता दूँ, यहाँ पे हर नमाज के बाद माशाल्लाह नमाज जनाजा भी होता है, तो वो भी पढ़ना होता है लाजमी। हम लोग मस्जिद से आके नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, बस मैं अभी थोड़ी देर हो गई मुझे फ्रेश हुआ है,
तो बस अब कोई एक्टिविटी नहीं है, बस जाके होटल के अंदर सोएंगे अपने रूम में जाके। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग का मेन पॉइंट करते हैं, आप कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, जब तक करते हैं अल्लाह हाफिज़।